यार 2020 हम लोगों के लिए कितना बुरा वक्त दिखा रहा है एंड कितना कुछ सिखा रहा है यार। 2020 में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हमें छोड़ के चले गए, एंड आज का न्यूज़ जो आप लोगों ने देखा, सुशांत सिंह राजपूत, तो बोलते हैं कि डिप्रेशन इसका रीज़न था, सब कोई बोल रहे हैं। तो यार हमें डिप्रेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, है ना। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी एक चीज़ है, तभी जाके इतना बड़ा उन्होंने स्टेप उठाया, है ना। तो हम सबको आके मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा बढ़िया से। एंड क्या बोलूँ, बहुत बुरा लग रहा है। एंड अब हम इंसानियत के खातिर हमें एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, एंड हमेशा पूछना चाहिए यार क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कैसे हो, अंदर से कैसा महसूस करते हो, क्योंकि ऊपर से जो लोग दिखाते हैं अंदर से हो सकता है ठीक उसका अपोजिट हो। तो हमेशा लोगों को पूछें, लोगों को समझें, लोगों को जानें, एंड ऐसा मैं समझता हूँ। एंड ऐसा देखा जाए तो हम लोग सभी भविष्य की लाशें हैं, आज वो तो कल कोई और, तो कभी हमारा भी नंबर आएगा एंड कभी आपका भी नंबर आएगा। तो ऐसे करके ही ये दुनिया चल रही है एंड चलती रहेगी। तो एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगा जो केदारनाथ मूवी से है, बहुत ही सुंदर। एंड इसकी जो लाइन है पूरा, मतलब आप सुनोगे तो आप बोलोगे, ठीक है ना। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारेगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जानी सार है जानी सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जानी सार है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। हाँ, सो बहुत बुरा साल, बहुत बुरा एक्सपीरियंस सबके लिए, बुरे वक्त, बुरे हालात, सभी को थोड़ा स्ट्रांग बनना चाहिए एंड